हेलो गाइस, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, चाहे वो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, या एसईओ कर रहे हैं, या पीपीसी कर रहे हैं, या एसएमओ कर रहे हैं, जो भी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसमें कंटेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपने बड़े बड़े एक्सपर्ट को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि कंटेंट इज द किंग। ऑब्वियसली आप कंटेंट के बेसिस पे ही डिजिटल मार्केटिंग को परफेक्टली बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा एआई टूल बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप कंटेंट को एक ही क्लिक में राइट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया, यूनिक और एसईओ फ्रेंडली सारे के सारे पैरामीटर्स मीट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं उस AI टूल्स। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टूल का नाम है SEOWriting.AI। ओके, इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, AI राइटिंग टूल फॉर वन क्लिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, पोस्ट, एफिलिएट कंटेंट अवेलेबल इन 48 लैंग्वेजेस। आप चाहे SEO कर रहे हैं या फिर आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पर कंटेंट बना सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उन्होंने अपने इसमें फीचर्स के बारे में बताया है, और ये दोनों तरीका से काम करता है, फ्री एंड पेड में। तो पहले इसका प्राइसिंग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने फ्री वाला वर्जन दिया हुआ है जिसमें 5 आर्टिकल्स इन्होंने दिए हुए हैं और इसकी जो लिमिट है 5000 वर्ड की है। ठीक है, AI पावर्ड SEO मोड में रहेगा आपका वर्डप्रेस, ऑटो पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, और ये जो कंटेंट लिखा जाएगा वो चैट GPT 3.5 और 4 के वर्जन से लिखा जाएगा, राइट। अगर आप यहीं पेड वाले वर्जन में जाते हैं तो आपको ये लिमिट दी जाती है $12 पर मंथ में आपको 1 लाख वर्ड मिलेंगे जिसमें आप 50 आर्टिकल्स राइट कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप नीचे भी देख सकते हैं। इसमें यूट्यूब एम्बेडिंग भी है, ये नए फीचर दिए हुए हैं, कंटेंट टू बेब एंड आउटलाइन एडिटर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर आप उससे भी ज़्यादा जाते हैं तब भी आपके पास में ये प्लान है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ चलता हूँ फ्री वाले वर्जन में कि किस तरह से आप फ्री में एक आर्टिकल बढ़िया सा बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट इट फ्री दिया है, यहाँ पर भी दिया है, दोनों जगह से कहीं से भी जाके इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा विद ईमेल आईडी, नहीं तो आप लॉग इन विद गूगल से कर सकते हैं। मैं लॉग इन विद गूगल से ही कर ले रहा हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पे लॉग इन विद गूगल से साइन अप करने के बाद में यहाँ पे इनके डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। तो इन्होंने मल्टीपल फीचर्स भी दिए हुए हैं, अगर आप ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट राउंड अप के लिए भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में, सिंपल एडिटर, यानी कई तरीका के यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल्स कंटेंट बनाने के लिए इन्होंने दे रखा है। बाकी यहाँ पे API के माध्यम से यानी वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने बल्क आर्टिकल जनरेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने डैशबोर्ड में दे रखी हैं, इसको यूज करके आप कंटेंट बना सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं वन क्लिक वाले को चूज करता हूँ, राइट। देखिए, कोई भी कंटेंट, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोई भी कंटेंट यानी ह्यूमन टच देने के लिए आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन तो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये AI टूल है तो ये अपने तरफ से तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख के देगा, लेकिन फिर भी आपको ऑप्टिमाइज थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आप कीवर्ड डालिए, जिस कीवर्ड पे आपका मेन फोकस है और उसको आप आर्टिकल में इंक्लूड करना चाहते हैं, उस पर अपना कंटेंट रैंक कराना चाहते हैं सर्च इंजन के उसमें सर्च रिजल्ट पेजेज में, तो वो आप कीवर्ड डालेंगे, यहाँ पर आप टाइटल बना के डालेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कीवर्ड है वो है
योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टाइटल लेता हूँ हाउ टू फिक्स एरर योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट इन गूगल क्रोम। मैं ये मेरे साथ इश्यू आया था तो मैं इसको यहां से कराता हूं। ठीक है, अगर आप कीवर्ड डाल के आर्टिकल का टाइटल लिखाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर जनरेट कर सकते हैं। मेन कीवर्ड और टाइटल देने के बाद में जो भी आपको सेटिंग करना है यहां पे आप नीचे जाके कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है इसने। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो मैं आपको थोड़ा टाइम लेने के बाद जब आर्टिकल ये रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको बताता हूँ। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेटस में डन हो गया है और ये आर्टिकल आई थिंक रिटर्न हो के कम्प्लीट हो गया है। मैं भी इसको पहली बार यूज कर रहा हूँ तो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरह से क्या कहाँ करना है, तो मैं भी ये आपके साथ ही देख देख के कर रहा हूँ। यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड HTML में कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। ओके, तो ये देखिए ये आपका आर्टिकल यहाँ से रिटर्न हो गया है। राइट, आर्टिकल देखने में तो आप एकदम परफेक्टली और प्रोफेशनल लुक मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टाइटल हमने दिया था है ना वो यहाँ पे ऊपर है और आर्टिकल को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट भी किया है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट, हेडिंग्स और पैराग्राफ, नंबर ऑफ वो, एंड यहाँ पे देखेंगे नीचे कोटेशन भी डाली हुई है और टेबल्स वगैरह का भी यूज किया हुआ है। यानी एक आर्टिकल्स के अंदर जो परफेक्टली होना चाहिए ऑडियंस के अंडरस्टैंड करने के लिए वो इन्होंने सारा का सारा यूज किया है। अब गाइज देखना ये है कि इसको प्लगरिज्म में यूज करके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर प्लगरिज्म हो, ये सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद में ही आप इसको आगे अपने यूज कर सकते हैं। और ह्यूमन टच देने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं अगर देखिए मैंने ये पहली बार यूज किया है तो मैं अगर वीडियो के अंदर ही अगर ये सब मॉडिफिकेशंस करूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए परफेक्टली तरीके से आउटलाइन मिल गई है, कंटेंट मिल गया है, अब इसमें मॉडिफिकेशन यानी ह्यूमन टच देने के लिए मैं इसमें मॉडिफिकेशंस करूँगा और तब जाके इसको यूज करूँगा। आई होप अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद है और ये टूल अगर आप यूज करके देखना, अगर आपको ये वैल्यूएबल लग रहा है तो आप इसके दोनों वर्जन के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि फ्री वाले वर्जन में इन्होंने बहुत ही कम लिमिट दिए हैं, यानी 5000 वर्ड ही दिए हैं। पेड वाले में इन्होंने 1 लाख वर्ड दिए हैं, $12 में 1 लाख वर्ड, मतलब आप समझ रहे हैं, यानी बहुत ही ईजी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इन्होंने ये दिया हुआ है। तो एक बार इसको यूज करके देखिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप अपनी वेबसाइट का अच्छे से ख्याल रखना। थैंक यू दोस्तों।